रिपीटेड है। तो इफ की इस अगले एग्जांपल में हम चाहते हैं सीरियल नंबर देना, हमारे पास जो डेटा है उसमें हमारा नाम रिपीटेड है। अगर मैं इसको फिल्टर लगा के बताऊं आपको तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आपके साथ इंदर हमने कर लिया, तो यहाँ इंदर के बाद है, तो मैं चाहता कि 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से सीरियल नंबर इंदर को दे दी जाए। हर नाम को इसी तरह से सीरियल नंबर हम देना चाहते हैं। इसलिए क्या करेंगे, तो इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका है इफ की मदद से। तो इफ की मदद से जो तरीका है उसके लिए हमें इस डेटा को शॉर्ट करना पड़ेगा। तो हम शॉर्ट में जाते हैं और यहां हम कस्टम शॉर्ट में आके और यहां माय डेटा हैज ए हेडर और यहां पे हम इसको शॉर्ट कर देते हैं। शॉर्ट करने से क्या होगा कि जो भी नाम है वो इकट्ठा आ जाएगा। जैसे इंदर है तो इंदर एक जगह पे आ गया, कविता एक जगह पे आ गया। मैं यहां पे दूंगा कंडीशन कि इफ सामने वाली वैल्यू अगर इक्वल है अपने ऊपर वाली वैल्यू से। यहां पे ध्यान रखिएगा हमने क्या बोला कि सामने वाली वैल्यू इक्वल है सामने वैल्यू वाली वैल्यू की ऊपर वाली वैल्यू से, इसका मतलब दोनों सेम नेम है। तो क्या करें, जो सीरियल नंबर जहां फॉर्मर लग रहा है उसके ऊपर है उसमें वो प्लस वन कर दे, नहीं तो वन से स्टार्ट करें। तो यहाँ पे सिंपल फॉर्मूला में लगाया कि अगर दोनों नेम आगे वाली नेम और उससे ऊपर वाले नेम दोनों आपस में बराबर है, इसका मतलब कि सेम नाम है, तो सीक्वेंस को बढ़ा दे, मतलब कि जहां फॉर्मूला लग रहा है उसकी ऊपर वाली वैल्यू में प्लस ए वन कर दे, नहीं तो वन से स्टार्ट कर दे। यहां वन आया क्योंकि ए इंद्र और नेम आपस में बराबर नहीं है। फिर मैंने इसको नीचे ड्रैग किया तो आप यहां देखेंगे आपके सामने रिजल्ट A1 से A17, फिर यहां सेम इसी तरह से आ रहा है। ओके, समझ में आ गया आप लोगों को? यस यस सर।